दुनिया का सबसे बड़ा और अपने टाइम का सबसे लग्जीरियस जहाज, ये कहानी है आरएमएस टाइटैनिक की। अपने पहले सफर इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, जिसके कैप्टन थे सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। सभी में इसे रवाना करने की एक्साइटमेंट हो रही थी, और हो भी क्यों ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, जिसकी लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी, जिसे बनाने की लागत 7.5 मिलियन डॉलर आई थी उस समय, जो कि आज के समय के 400 मिलियन डॉलर के बराबर है, और अंदर से लग्जीरियस इतना कि आज का बुर्ज खलीफा भी शर्मा जाए। स्टेन ग्लास की बनी खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, दो बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वैश कोर्ट, चार रेस्टोरेंट, दो बार्बर की दुकान, साथ ही एक लाइब्रेरी भी इसमें बनी थी। साथ ही जिस सेफ्टी का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया था, जिस वजह से यह जहाज अनसिंकेबल था, यानी यह जहाज कभी नहीं डूब सकता था। इसे उस टाइम के व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनवाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप एएस फ्रैंकलिन पूरी पब्लिक के सामने चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन अपने सफर पर निकलने के दो ही दिन में, यानी 12 अप्रैल 1912 में, इस जहाज को वार्निंग मिलने लगती है कि जिस एरिया से आप गुजर रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े आइसबर्ग्स मौजूद हैं, ध्यान से आगे बढ़ें। इसे सुनने के बाद टाइटैनिक दो बार अपना रास्ता बदलती है, लेकिन अपनी रफ्तार को कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स यानी लगभग 40 किलोमीटर की स्पीड से ये चल रही थी। ठीक दो दिन बाद 7 वार्निंग और दी जाती हैं, लेकिन जहाज के कैप्टन और उनके क्रू मेंबर्स इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और उसकी रफ्तार नहीं घटाते, स्पीड से आगे बढ़ते रहते हैं। 14 अप्रैल 1912 की रात, इस रात की खास बात यह है कि इस रात को चांद भी बाहर नहीं आया था, जिस वजह से विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्रिक क्रॉस नेस्ट पर बैठा हुआ है, जिसे अचानक एक बड़ा आइसबर्ग दिखाई पड़ता है, यानी एक बड़ा बर्फ का पहाड़ दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर सबको खतरे के बारे में आगाह करता है। फिर नीचे बैठा इंसान ऑफिसर्स को कॉल करता है और उन्हें इस खतरे के बारे में बताता है और कहता है कि जहाज को जल्दी दूसरी तरफ मोड़ो। पहले ऑफिसर विलियम इसे सुनते हैं और इंजन रूम में भाग कर ये मैसेज पहुंचाते हैं और कहते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन असल में बहुत देर हो चुकी थी, सिर्फ एक मिनट बाद यानी 11:40 पर जहाज इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। और असल में ये आइसबर्ग भी कोई छोटा आइसबर्ग नहीं था, लंबाई में ये 200x400 फीट का था, लगभग एक फुटबॉल ग्राउंड की जितना, और ऊंचाई में ये जहाज के क्रॉस नेस्ट तक आ रहा था। और वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका वजन लगभग 1.5 मिलियन टन जितना था। जहाज का ये टकराव जहाज के राइट फ्रंट साइड हुआ था। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज इस आइसबर्ग से घिसकता रहा और इसमें आगे एक बड़ा लंबा डेंट पड़ गया और छोटे छोटे छेद भी हो गए। इसके कुछ देर बाद ही कैप्टन स्मिथ और इस जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रेज ये देखने पहुंचते हैं कि इस जहाज में कितना नुकसान हुआ है। जांच करने के बाद पता चला और उन्होंने कहा कि जहाज कुछ ही घंटों में डूब जाएगा। ये सुन के सभी शॉक्ड हो गए, क्योंकि सभी को तो यही पता था कि ये जहाज तो कभी नहीं डूब सकता। अब ऐसा मानने की वजह यह है कि असल में ये उस टाइम की बेस्ट सेफ्टी फीचर से बनाया गया था, जिसमें दो फीचर्स मेन थे। इस जहाज में डबल बॉटम हल था। असल में हल जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम का मतलब था कि निचली तली में दो लेयर्स का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें एक टूट जाने पर भी दूसरी काम में आ सके। और हल को 16 अलग अलग वॉटर टाइट कंपार्टमेंट्स में अलग किया गया था, और 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट डूब भी जाएं, तब भी जहाज आसानी से तैरता रहेगा। लेकिन टकराव इतना तेज था और ये जहाज के राइट साइड में हुआ था, जिसमें डबल बॉटम हल वाला सेफ्टी फीचर काम नहीं आया। साथ ही 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भर गए थे, लेकिन लिमिट तो 4 की ही थी, तो ये सेफ्टी भी फेल हो गई और अब इसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता था। टकराव के 20 मिनट बाद जहाज के कैप्टन स्मिथ सभी क्रू मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं कि हेल्प के लिए रेडियो सिग्नल्स भेजना शुरू करें, जिससे आसपास मौजूद जहाज इस सिग्नल को सुन के मदद के लिए आ सके। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार सिग्नल्स भेजने लगते हैं और 20 मिनट बाद आरएमएस कार्पेथिया नाम का शिप इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक ऑपरेटर से बात करता है और टाइटैनिक की मदद के लिए जहाज को मोड़ देता है। लेकिन समस्या ये थी कि ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अपनी टॉप स्पीड पर चलने पर भी इसे 3.5 घंटे का समय लगने वाला था। टाइटैनिक के बाकी क्रू मेंबर्स आसमान में फ्लेयर छोड़ रहे थे, इस उम्मीद में कि आस पड़ोस कोई जहाज हो तो मदद के लिए आ जाए। इसी दौरान कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर्स को लाइफ बोट से बचाया जाए।
उन्हें जहाज से नीचे उतारा जाए। प्रोटोकॉल्स के तहत औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन जहाज के कुछ पैसेंजर्स अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि ये जहाज डूब सकता है, क्योंकि असल में इस जहाज का प्रचार ही कुछ इस तरह से हुआ था। इसी वजह से शुरुआती कुछ लाइफ बोट्स में आधे से भी कम लोग गए थे, लेकिन समय बीतने पर जब देखा कि एक के बाद एक कंपार्टमेंट्स डूबते जा रहे हैं, तब इन सभी पैसेंजर्स को लगा कि जहाज वाकई में कुछ देर में डूब जाएगा। रात के 1 बजे तक जहाज में पानी इतना भर चुका था कि जहाज का बो वाला हिस्सा पानी में डूब गया। इसकी वजह से पीछे वाला हिस्सा पानी के बाहर आ गया। जब ये सब होते दिखा तो पूरे जहाज पर अफरा तफरी होने लगी। असल में सबसे बड़ी कमी थी कि जहाज पर लाइफ बोट बहुत ज्यादा कम थी। पूरे जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी, जिसमें अंदाजन 1200 लोग ही जा सकते थे, लेकिन जहाज पर करीब 2200 लोग थे। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी जाती है, लेकिन ऊपर जहाज पर अभी भी 1500 लोग मौजूद थे, जिसमें कुछ लोग जीने के लिए लड़ रहे थे तो कुछ अपने नसीब को मान बैठे थे। रात के 2:20 पर जहाज के 2 टुकड़े हो गए और धीरे धीरे पानी में समा गया। दोस्तों 3 घंटे भी पूरे नहीं हो पाए इस कभी न डूबने वाले जहाज को पानी में डूबने में। वो सभी 1500 पैसेंजर्स, जिसमें आधे तो जहाज के साथ ही डूब गए, बचे हुए हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर मात्र -2 डिग्री था। इस टेम्परेचर पर आप कुछ ही मिनट पानी में जिंदा रह सकते हैं। कहा जाता है कि जहाज के कैप्टन स्मिथ अंत तक अपने जहाज के व्हील को पकड़कर रखे हुए थे और जहाज के साथ ही डूब गए, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। लगभग 3:30 पर RMS कार्पेथिया जब यहाँ पहुंचता है तो वो लाइफ बोट्स के ऊपर बैठे 705 लोगों को बचाने में सफल हो जाता है। इस घटना के बाद बहुत से सवाल हुए, अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, साथ ही कई जांच भी कंडक्ट कराई गई, जिसमें कुछ अनजान बातें सामने आई जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। दोस्तों अगर आपको पता चले कि उस रात टाइटैनिक के पास एक और जहाज था जो कि सिर्फ 37 किलोमीटर ही दूर था, जो कि टाइम पर पहुंचकर सभी की जान बचा सकता था, उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के टकराने के करीब 1 घंटे पहले आखिरी वार्निंग मैसेज इसी जहाज ने भेजा था। उसके बाद कैलिफोर्निया जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने रेडियो बंद कर दिया था और ये जहाज खतरे को देखते हुए आगे नहीं जाना चाहता था, तो रात के लिए वहीं रुक गया था। और इसी वजह से इस जहाज को पता ही नहीं चल पाया कि कुछ ही दूरी पर टाइटैनिक मदद मांग रहा है। BCC की एक रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इस जहाज के क्रू मेंबर्स, जिन्होंने इन फायर फ्लेयर्स को देखने का क्लेम किया था, जिन्हें टाइटैनिक से छोड़ा जा रहा था, जिसे उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को बताया था, लेकिन कैप्टन ने उनसे कहा यह कोई हेल्प का सिग्नल नहीं है, बल्कि टाइटैनिक शिप पर अमीर लोग मौजूद हैं जो कि रात को पार्टी कर रहे हैं। फिर अगले दिन इन सभी को पता चलता है, रेडियो ऑन करने पर पेंडिंग SOS कॉल्स मिलती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो 2 इन्वेस्टिगेशंस हुई थी इसमें सारा ब्लेम कैप्टन स्टैनली लॉर्ड पर डाल दिया गया था, मगर देखा जाए तो सिर्फ गलती एक इंसान की नहीं थी, ना तो जहाज में सफिशियंट लाइफ बोट थी, क्योंकि जिस कंपनी ने जहाज को बनाया था उनका यह दावा था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। इसके बाद इस जहाज के कैप्टन स्मिथ ने निकलने से पहले टाइटैनिक की सेफ्टी ड्रिल्स तक नहीं करवाई थी। जिस दिन टाइटैनिक डूबा ठीक उसी दिन इस जहाज की सेफ्टी ड्रिल्स होनी थी, लेकिन उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया ये सोचकर कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। और अगली बड़ी गलती थी स्टेयरिंग व्हील को संभालने वाले रॉबर्ट हिचेंस की। उस रात जब आइसबर्ग का ऊपर से मैसेज आया था तो ऑफिसर ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जहाज को लेफ्ट साइड मोड़ना है, लेकिन जल्दबाजी में आकर रॉबर्ट ने इस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उन्होंने जहाज को राइट साइड मोड़ दिया। और जब इन्हें अपनी गलती का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद टाइटैनिक शिप को इतनी वार्निंग्स दी गई कि इस इलाके में आइसबर्ग्स हैं, अपनी स्पीड को कम करें, लेकिन इसके बाद भी स्पीड कम नहीं हुई। ऐसा इसलिए था, जोसेफ ब्रूस जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे इस कंपनी के जिसने इस जहाज को बनवाया था, उन्होंने कैप्टन स्मिथ को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जहाज की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। कंपनी की तरफ से प्रेशर लगातार कैप्टन पर बना हुआ था और कंपनी इस सफर को 6 दिन में ही कंप्लीट करना चाहती थी, जिससे एक नया रिकॉर्ड बन सके, लेकिन इस गलती से पूरा जहाज डूब गया। इस घटना के बाद कई सारे लॉज और रेस्ट्रिक्शंस बनाए गए। 1940 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनवाया गया जिससे आने वाले जहाजों को वार्निंग दे सके कि आगे खतरा है। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी टाइटैनिक शिप की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर आपको इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।